करनाल में आज राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कृषि विविधीकरण और बेबी कॉर्न के लिए प्रख्यात किसान पद्मश्री कमल सिंह चौहान रहे। बता दें कि कमल सिंह चौहान को भारत सरकार द्वारा 2019 में कृषि विविधीकरण व इसे रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्थापना दिवस पर संस्थान की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा व इन्हें किसानों तक पहुंचाने पर विस्तार से बातचीत की गई। इस अवसर पर कवल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर रही है, जिसमें कृषि कानून एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। गेहूं अनुसंधान संस्थान द्वारा जो किस्में और तकनीक विकसित की गई हैं, वह किसानों के लिए काफी मददगार सिद्ध होंगी। आज किसान को भी सोचना होगा कि रासायनिक खादों के बेहिसाब इस्तेमाल से उसे कोई फायदा नहीं है, इसके बजाय किसान को जैविक खेती और फसल विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे विपक्ष का एजेंडा काम कर रहा है। पहले यही किसान मांग करते थे कि उन्हें अपनी फसल बेचने की आजादी दी जाए। उन्होंने शुरुआत में इन कानूनों की तारीफ व समर्थन भी किया था। कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उनका संस्थान पिछले कई वर्षों से कृषि व किसानों के लिए समर्पित होकर काम कर रहा है और हमारे द्वारा विकसित कई किस्मों के इस्तेमाल से देश में गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वहीं उन्होंने किसानों से अपनी आय में वृद्धि के लिए संस्थान की नवीनतम तकनीक व किस्मों को अपनाने का आह्वान किया। अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ के संस्थान ने, कई नई नई वैरायटियां दी है और जिससे किसानों ने जिनको अपनाया है और यहाँ की एक सर्वाधिक उत्पादन वाली भी एक वैरायटी है, क्या नाम उसका, 303 हाँ, जिसका जिससे किसान फायदा उठा रहे हैं और उनकी इससे आमदनी बढ़ी है। और मैं संस्थान के वैज्ञानिक से उम्मीद करता हूँ आगे भी कि अच्छी अच्छी वैरायटी दे जिससे किसानों को फायदा हो, ज़्यादा उत्पादन हो। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वैरायटी भी ईजाद करे जिससे जो वैरायटी बिना रसायन के भी ज़्यादा पैदावार दे सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कि हमारा संस्थान किसानों की बेहतरी के लिए कटिबद्ध है और आगे भी प्रयास करता रहेगा। तो जो उपलब्धियां यहाँ की क्या क्या रही सर, जो अच्छे बीज भी दिए हैं संस्थान ने? संस्थान ने विभिन्न तरीके की तकनीक जो किसानों को दी है, वैसे उससे उनकी उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है और उनकी आय में वृद्धि होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है किसानों की आय को दुगुना करने का सन 2022 तक निश्चित ही, उसमें हमारा संस्थान प्रमुख तौर पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.